नमस्ते फ्रेंड्स, इस तरह के कलर के छोटे बड़े डिब्बे हम सब के पास होते हैं और मेरे पास भी थे और मैंने इसे ऐसे ही छोड़ रखा था अपने स्टोर रूम में। करीब 10 साल हो गए जब हमने पहले हमारे घर के बाहर से कलर कराया था, तब के हैं ये। और अब जब मैं रेंट के घर में रहने आई हूँ ना, तो मुझे अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तो मैं इसका यहाँ यूज़ कर लेती हूँ स्टोरेज अपनी सारी ग्रोसरी को रखने के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो इसका कुछ और भी जुगाड़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है उसका बैठने के लिए वहाँ कोई स्टूल या कुछ नहीं है, तो मैंने कहा चलो वो भी बन जाएगा और साथ में मैं इसमें चीज़ों को अरेंज भी कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इसके ढक्कन को लिया है। ढक्कन काफ़ी हद तक टूटा फूटा है, इसलिए मुझे इसमें कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसी के माप का एक कार्डबोर्ड काटा है, फिर जब पैकिंग में कुछ आता है वो पैकिंग मटेरियल को बीच में रख दिया है, जिससे मुझे एक फॉर्म शीट कम जरूरत पड़े। और इसे रखने के बाद हमें बहुत अच्छा फेविकोल लगाना है, काफ़ी मात्रा में, इसमें बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करना है। और इसके ऊपर मैंने इसे लगा दिया। अगर ये नहीं है तो आपको 2 से 3 लेयर फॉर्म शीट की करनी पड़ेगी, जिससे हमारे ऊपर से भी भाग स्मूथ रहे और हमारा जो बने ना वो बहुत ही बेटर लगे। और इसके ऊपर फॉर्म शीट को मैंने लगा कर इसे पूरी रात सूखने के लिए छोड़ दिया है। अब इसका जो ये वाला नीचे का हमारा ड्रम है, उसमें से मैंने इस हैंडल को अलग कर दिया है कटर की मदद से, और अब फेविकोल की मदद से मैं इस पर डायरेक्टली हमारा एक बहुत ही प्यारा सा मेरे पास फैब्रिक है उसे मैं लगा रही हूँ। इसे मैंने डायरेक्टली लगाया क्योंकि ये काफ़ी मोटा है, इसमें से नीचे से कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, तो दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर सिल लिया था, जिससे नीचे से भी ये फिनिशिंग वाला लगे, इसके धागे ना निकले। और लास्ट में इस तरफ फेविकोल से बराबर मैंने लगाकर इसकी बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा अंदर की बाजू मोड़ के लगाया है। और फ्रेंड्स, जब मैंने प्लांट होल्डर बनाया था तब ये बिल्कुल जूट फैब्रिक का यूज़ किया था, और जब जूट फैब्रिक का यूज़ करते हैं तो ये बहुत पतला रहता है, तो आपको एक और अंदर इसमें कपड़े को एंटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही इसमें से अंदर से लिखा हुआ सब दिखता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किया था कि कुछ उस पर कुछ मैंने एक पर्स बनाया था, तो कि इस तरह के मेरे पास ट्रेडिशनल लुक के फैब्रिक था उसे लगा दिया था। और इसके साथ जो इसका ऊपर का भाग निकला था ना, उसमें से तो मैंने बहुत ही अच्छी जूट की बास्केट बनाई थी, ट्रे बनाई थी, जो आप देखकर मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है, जिसे मैंने घर पर ही बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार किया था। चैनल में नहीं है तो आप ज़रूर से मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को देखिएगा और इस तरह से इसे ज़रूर से तैयार कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह के प्लांट होल्डर आपको काफ़ी कॉस्टली नर्सरी में मिलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, तो इस बिग साइज के जंबो साइज के प्लांट होल्डर आप घर पर बिल्कुल आसानी से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। कुछ मैंने इसमें राखियों को भी लगा दिया था और आज भी मैं इस प्लांट होल्डर का यूज़ अपने बालकनी में करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, पूरी रात अच्छी तरह सूख जाने के बाद मैंने इस तरह से कपड़ा लिया था और गोलाई में कट किया था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा था, और कुछ इस तरह से मैं इसके कॉर्नर पर मशीन लगाकर इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने एक नेफा पट्टी जैसा बना दिया है, मैंने यहाँ इलास्टिक लेकर इसको लगा दिया है इलास्टिक में, और फिर इसको इस तरह से हम रख रहे हैं। ऊपर से हमने जो फॉर्म रखा है ना, जिससे ऊपर से बहुत ही अच्छा हमारा फिनिशिंग आएगा, हमको इस तरह से इसे एंटर कर देना है चारों बाजू से और अच्छी तरह से अंदर रख देना है। कुछ भी अगर हमारा इधर उधर हो रहा है तो हमें अच्छी तरह से हाथ डालकर भी इसे ठीक कर लीजिए, और इसे बहुत ही स्मूथ सा ऊपर से लुक आए इस तरह से आप फिनिशिंग वाला लुक तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो बचा हुआ इलास्टिक आपको ज़्यादा लग रहा है उसे आप ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर की बाजू लेकर इसे एक्स्ट्रा को कट करके इसे तैयार कर लीजिए। इस तरह करने से क्या हुआ कि मेरा जो टूटा हुआ भाग था ना वो भी चिप गया है और इस तरह से पूरा जो इसमें कवर हो गया है, और इलास्टिक को मैंने बराबर से इसको फिट कर दिया है। और जब हमें इसे धोना होगा तो हम बड़ी आसानी से यहाँ से इलास्टिक को काट कर धो सकते हैं और फिर वापस इसमें लगा सकते हैं। ढक्कन भी इसका बहुत अच्छी तरह से बंद हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, तो मैंने ये ऊपर की साइड पर एक और लेस लगा दिए, और इसके ऊपर की साइड भी मैंने ढक्कन पर भी बहुत प्यारी सी इस तरह की लटकन वाली लेस को लगा दिया। लेकिन ऊपर क्या हुआ कि ये जो फैब्रिक है ना, इसमें आधे में तो इस तरह का था लेकिन आधे में प्लेन है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, थोड़ा अलग लग रहा था, तो मैंने आगे जूट की जो बैग बनाई थी, एक आपके साथ शेयर किया हुआ है जूट बैग का आइडिया, बस उसी की इस बैग को वैसे मैंने कुछ कट करके इस तरह से ऊपर इसमें मोटो को लगा दिया, और मैं इसका उपयोग अब बड़ी आसानी से अपने ड्रेसिंग टेबल पर कर सकती हूँ। आपने फ्रेंड्स आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहवत तो सुनी होगी। जी हाँ, स्टोरेज बैग भी बन गया है मेरा, साथ में ही ड्रेसिंग टेबल का टूल भी बन गया है,
तो बहुत ही काम की ये वस्तु मेरी तैयार हो गई। अब आप कहेंगे इतने बड़े बॉक्स हमारे पास नहीं तो हम क्या करें। देखिए फ्रेंड, इस तरह के आपके पास कलर के भी बॉक्स हैं ना, तो इससे भी आप बहुत प्यारी सी प्लांट होल्डर और आप जो है बहुत प्यारी सी इसकी बास्केट बना सकते हैं। और मैंने ये प्लांट होल्डर बनाया था बिल्कुल सूखी टहनियों को लाके बनाया था, और ये वाला जो मैंने तैयार किए थे ना, ये वाली बास्केट तो बहुत ही प्यारी है, किसी को आप गिफ्ट कर ले, फ्रिज पर रख दीजिए। इसमें मैंने सैटिन के फ्लावर से इसे खुद ही हाथों से बना के सजाया था, जो मैं अभी भी फ्रिज पर रखती हूँ अपने। तो फ्रेंड, ये हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा मेरा ये तैयार हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसे डोर के पीछे क्यों रखूँ, क्यों ना मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में ही रखूँ। तो मैंने इधर इसे कॉर्नर पर रख दिया है, इस पर कुछ इस तरह की मैंने फ्रेम को रखा है, और साथ में छोटा सा मेरे पास ये टेडी बेयर वाला किचन था उसे रख दिया है, और मेरा ये कॉर्नर सच के तैयार है।